ट्रंप की धमकी का जवाब भारत और चीन दोनों ने सख्त लहजे में दिया। भारत के विदेश मंत्री ने इशारों में कहा कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी की धमकी से प्रभावित नहीं होती है। ये अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी होगी तो हम ये जरूर करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ही धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो अमेरिका क्या, अमेरिका का बाप भी इसको नहीं। ओ भाई, भारत को आंखें नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं ये डीडॉलराइजेशन का, छोड़ दो। और जयशंकर जी ने बोल भी दिया, हम अमेरिका की दादागिरी को सहन नहीं करेंगे, इन्हें नीचे करेंगे। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले जिस तरीके से बातें की जा रही हैं। तो वो कुछ ना कुछ तो अमेरिका की जो चौधराहट है वो उनकी जो रिजर्व करेंसी डॉलर बिकमिंग अ रिजर्व करेंसी उसके वजह से, डॉलर के रिजर्व करेंसी बनने के कारण आप ये देखिए कि उनके बैंकिंग सिस्टम से जितना डॉलर जाता है ना उसका ब्याज जो है वही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमेरिका को बेनिफिट करता है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी तरफ से ब्रिक्स के ऊपर कहा गया कि करेंसी लाए तो टैरिफ्स लगे। लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, they are good in their presentation and it is working, the west is buying it, west was desperate, america was best, desperate to have a partnership. problem to america ne shuru ki na, jab aap is tarah se dadagiri karoge to log fir kyon aapke usme trade karenge ki bhai aap dollar rakhoge to inke paas hamesha ek wo leverage rahega ki wo aapke dollar jo hai wo zabt kar le, to taali dono haathon se bajegi. if trump really wants ki jab de-dollarization na ho to fir ye bhi karna padega कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम। डॉलर इज द मेन करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, एम आई राइट? डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है। आप उसको कह रहे हैं कि हम डॉलर को खत्म करना चाहते हैं, ब्रिक्स वाले एक ऑल्टरनेट करेंसी लाना चाहते हैं। कोशिश करें कि भारत की तरक्की से कुछ सीख पाए। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। उनकी तरक्की का सीक्रेट जो है हथियार, झगड़े, लड़ाइयाँ नहीं है। प्लीज लर्न करने की कोशिश करें ताकि हम भी दुनिया के साथ कंपीट कर सकें। एक तरीके से चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है और कहा है कि जो भी ये करेंसी लाएगा, बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ लगेगा 100% और निकाल देंगे उनको, यानी ऑब्वियसली ट्रेड रेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो ठीक है, फिर आप ना करें अमेरिका के साथ, तो ये करेंसी हम नहीं लाने देंगे। इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। फिर क्या इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, एक ये ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू क्यों हुई, क्योंकि ये करेंसी की बात तो बहुत पहले से हुई थी। और ये भी है कि साहब की जो अमेरिका की जो चौधराहट है वो उनकी जो रिजर्व करेंसी डॉलर बिकमिंग अ रिजर्व करेंसी उसके वजह से, डॉलर के रिजर्व करेंसी बनने के कारण आप ये देखिए कि उनके बैंकिंग सिस्टम से जितना डॉलर जाता है ना उसका ब्याज जो है वही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमेरिका को बेनिफिट कर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे दुनिया का आप जो रिजर्व करेंसी होने की वजह से डॉलर का जो वैल्यू है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि साहब बिना कुछ किए करेंसी की वजह से दे कीप अप्रोप्रिएटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि उसका खुद का नुकसान भी झेल रहे हैं, खुद का नुकसान ये झेल रहे हैं कि देयर ओन गुड्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव कि दे हैव बिकम अ नेट इम्पोर्टिंग नेशन। उनके यहाँ जो भी बनता है वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है फिर कि वो इसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, कौन लेगा आपके? हमारे यहाँ बड़ा एक हंगामा हुआ था कि साहब ये ट्रंप जब पिछली बार आए थे तो उनको ये हार्ली डेविडसन वालों ने अप्रोच किया कि ये हमारी मोटरसाइकिल्स पे इतना टैरिफ है, तो ट्रंप ने हल्ला गुल्ला किया कि ये इंडिया इज डूइंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस, और हार्ली डेविडसन पे इन्होंने 100% टैरिफ डाल रखा है, हम भी डालेंगे। तो इंडिया ने वो घटा के 20% कर दिया हार्ली डेविडसन, उसके बाद भी फ्लॉप हुई। वो इतनी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है कि यहाँ कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको। तो दे वर वेरी स्मार्ट इंडियंस, दे रिड्यूस द टैरिफ, ऐसा 20% और कम करना चाहते और कम कर देते, तो 20% कर दिया उन्होंने घटा के। लेकिन उसके बाद भी हार्ली डेविडसन सही है, 5 लाख से जिसको जो शुरू होती हो, 5 लाख इंडियन रुपीज, आपके यहाँ तो वो 15 लाख से ऊपर होगी जो पाकिस्तान में,
तो जिसकी इतनी कॉस्ट हो तो कोई क्यों लेगा? 5 लाख में जो आपके लोअर लेवल वाली जो कार होती है वो मिल जाती है। हाँ नहीं, अब तो नहीं, कार नहीं मिलती। नहीं, लो एंड कार मिल जाती है 5 लाख। अच्छा, इंडिया में? हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, वहां पे तो सर छोटी सी छोटी गाड़ी भी 15 से कम की तो नहीं आती। नहीं, तो वो तो आपके तो करेंसी भी तो हाँ, पाकिस्तान में। हाँ, exactly. इंडिया के 3 टाइम्स है ना। जी जी, तो प्रॉब्लम तो इसलिए लोग हार्ली डेविडसन क्यों लेंगे? तो उनके यहाँ से क्या एक्सपोर्ट हो सकता है इंडिया से? जब उन्होंने कहा कि हमारा ट्रेड बैलेंस बहुत गड़बड़ा है और इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, कि ब्रिक्स देशों की एकजुटता और शक्ति के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा। ब्रिक्स देशों की संयुक्त ताकत इतनी अधिक है कि अगर वे एकजुट होकर किसी आर्थिक फैसले पर अमल करें तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी इससे बच नहीं सकते। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले जिस तरीके से बातें की जा रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और दूसरा, सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो रशिया को भी वार्न किया है, उन्होंने तो ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज है सभी को आंखें दिखाई है। देखिए, पहली बात यह है कि आपने देखा कि ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर इंडियन मीडिया में तो बहुत ज़्यादा था ब्रिक्स की करेंसी आ जाएगी, ब्रिक्स जो है वो अमेरिका से बाहर निकल जाएगा, वो डीडॉलराइजेशन कर देगा, सारी दुनिया को डॉलर के बिना काम करने पे मजबूर कर देगा। कि रशिया को भी आंखें दिखाई हैं, भारत को भी आंखें दिखाई हैं। और भाई, भारत को आंखें नहीं दिखाई, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं ये डीडॉलराइजेशन का, छोड़ दो। और जयशंकर जी ने बोल भी दिया कि जो लोग बोल रहे थे कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हमने कोई ब्रिक्स की करेंसी करनी है। तो उन्होंने अपना पला झाड़ लिया कि ब्रिक्स की करेंसी, असी तक कभी बोले ही नहीं कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, तो उन्होंने कह दिया कि अब तो ये डॉलर के साथ ही ठीक है। तो भारत ने अपना स्टैंड बता दिया है कि वी आर विद अमेरिका, हम कुछ भी इसके बाहर करने वाले नहीं है। एंड सेकेंडली, जो ब्रिक्स की करेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम इसे सपोर्ट करते हैं। ये इंडियन मीडिया में कई लोग हैं जो चाइना के एजेंट बैठे हैं, मैं अपनी बात मुझे कर रहे हैं लोग कि ये चाइना का एजेंट है, मैंने हमेशा बोला था कि दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया, अगर ब्रिक्स की करेंसी आएगी भारत के लिए अच्छी नहीं है, डॉलर के साथ काम करना ही अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तान भी जितनी तरक्की करी है, जब तक डॉलर आते रहे, देखिए कितनी तरक्की करी, जब से आने बंद हुए हैं तब से आपकी तरक्की भी बंद हो गई है। तो इसलिए डॉलर के साथ ही काम करना चाहिए, युआन में नहीं करना चाहिए। जब से आपने युआन लेने शुरू करी, देखिए आपका बट्टा बैठ गया। तो इसलिए हम भी डॉलर में ही काम करने वाले हैं। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, इंडिया के से उनकी ट्रेड डेफिसिट थी अबाउट आई थिंक 30-40 बिलियन डॉलर्स, इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। तो इंडिया ने उनके यहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम आपके यहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं। ट्रंप वहाँ से खुश हो गए कि हाँ ठीक है। अच्छा, ट्रंप के यहाँ ये भी था कि भाई उस टाइम पे फ्रैकिंग वैकिंग सब उन्होंने कर रखा था, प्रोडक्शन काफ़ी हाई था। ये तो बाइडन वगैरह ने आके सारा प्रोडक्शन जो है वो डाउन कर दिया, फ्रैकिंग के ऊपर बैन लगा के और फ्रैकिंग के ऊपर रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस करके। तो ये स्थिति है। अब अमेरिका ये सोचना पड़ेगा, अमेरिका को, बल्कि आई थिंक ट्रंप वुड नो, रशिया चाइना ये चाहते हैं। एक मिनट में आता हूँ इस बात पे। हुआ कब वो बात? जोर तब पकड़ी जब इन्होंने रशिया के डॉलर रिजर्व जो है वो सीज कर लिया। 300-400 बिलियन डॉलर जो आपके सिस्टम में पड़े हुए हैं उसको आप सीज कर लो, तो नेचुरली फिर दूसरा तो हो गई ना। तो फिर वो जो सारा का सारा पहले तो स्विफ्ट सिस्टम जो इनका है उससे बाहर निकलने का काम शुरू हुआ और वो लगभग कंप्लीट है। प्रॉब्लम तो अमेरिका ने शुरू की ना, तो लोग फिर क्यों आपके उसमें ट्रेड करेंगे कि भाई आप डॉलर रखोगे तो इनके पास हमेशा एक वो लीवरेज रहेगा कि वो आपके डॉलर जो है वो जब्त कर ले। तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रंप रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो, तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर सिस्टम। रशिया को उसने बोल दिया कि आपको डॉलर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपको पहले डाला हुआ है, आपको तो स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, ना आप डॉलर ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं, इससे अच्छा है आप क्रिप्टो करेंसी में काम कीजिए। अब रशिया ने क्रिप्टो करेंसी में काम करने की हां कर दी है, उसने भी बोल दिया कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि रशिया की जो प्रॉब्लम थी डॉलर की, वो उसने सॉल्व कर दिया। ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को ऑलरेडी उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया, खुद ने भी वहां पर क्रिप्टो खरीदने शुरू कर दिए हैं, एक्सचेंज बना रहा है, और यहां पर रशिया को भी सपोर्ट कर दिया। यानी कि हर मामले में एक ही काम है, आपके चाइना को बर्बाद करने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया है। रशिया को अपने पाले में डाल लिया, भारत को अपने पाले में ऑलरेडी कर लिया। जयशंकर जी की स्टेटमेंट बताती है, एक चाइना ही है
जो सदमे में है, और यह सबको लेकर चल रहा था कि आइए अब मेरे साथ मिलकर काम कीजिए, हम अमेरिका की दादागिरी को सहन नहीं करेंगे, इन्हें नीचे करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में सारा का सारा जो प्लान था वो चौपड़ कर दिया। यानी इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट साबित होंगे कई कंट्रीज के लिए, आपके ख्याल से ज्यादा टेढ़े साबित होंगे आते के साथ ही? अभी तो आए भी नहीं है, एक तरह से अभी भी उनके ऊपर शक किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा।